गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश लेसन 16, अ गुड सिटीजन। स्टूडेंट्स, अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, इसकी मैंने आधा चैप्टर आधा लेसन आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे लेसन का नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो हमने पढ़ा था कि मैं से चोपड़ा बाजार जा रही थी, वह अपना छाता लेकर जा रही थी, तो एक ज्वेलरी शॉप के सामने वह बैठ गई, एक बेंच डली हुई थी उस पर बैठ गई, तो उन्होंने देखा कि दुकान के सामने एक लाल अल्टो कार आकर रुकी और एक आदमी कार से बाहर आया। उसके सिर पर टोपी थी और दुपट्टा पहने हुआ था। उसने ज्वेलरी शॉप की खिड़की तोड़ी और सारे जेवर इकट्ठे करके बैग में डाल के जाने लगा। तो जैसे ही वो गाड़ी की तरफ जाने लगा तो मिसेस चोपड़ा ने अपना अम्ब्रेला उसके सामने ढकेल दिया, जिससे वह गिर गया, ओके। तो वह ठोकर खाकर गिर गया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं स्टार्ट। थीप थीप शाउटेड मिसेस चोपड़ा, द पुलिस वैन वॉज मूविंग देयर। मिसेस चोपड़ा जोर से चिल्लाई, चोर चोर, एक पुलिस वैन, पुलिस की गाड़ी वहाँ से जा रही थी। टू पुलिस मैन रैन अप एंड कॉट द थीप रेड हैंडेड। फिर क्या हुआ, दो पुलिसकर्मी भागे और चोर को रगे हाथ पकड़ लिया। द शॉपकीपर एंड सम अदर पीपल ऑल्सो केम। फिर क्या हुआ, दुकानदार और कुछ अन्य लोग भी वहाँ आ गए। द पुलिस मैन टोल्ड द शॉपकीपर द वाइल्ड स्टोरी। फिर जो पुलिस मैन थे, पुलिस वाले थे, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने दुकानदार को पूरी कहानी बताई। द शॉपकीपर कलेक्टेड हिज गोल्ड ऑर्नमेंट्स। फिर क्या हुआ, जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने अपने सारे सोने के गहने एकत्र कर लिए। ही वेंट अप टू मिसेस चोपड़ा। फिर वह श्रीमती चोपड़ा के पास गए। ही थैंक्ड हर, उन्हें धन्यवाद दिया। ही सेड टू हर, और उन्होंने उनसे कहा। फिर वह मिसेस चोपड़ा के पास गए, उनको धन्यवाद बोला और उनसे बोले, यू आर ब्रेव एंड क्लेवर। उन्होंने कहा, शॉपकीपर ने कहा श्रीमती चोपड़ा से कि तुम बहादुर हो और चतुर हो। ही टोल्ड हर इनसाइड द शॉप एंड गेव हर अ गोल्ड रिंग। वह उन्हें दुकान के अंदर ले गया और श्रीमती चोपड़ा को सोने की अंगूठी दी। ही शेड, दिस इज माई वे ऑफ सेइंग थैंक यू। अंगूठी देते हुए कहा कि यह मेरा धन्यवाद कहने का तरीका है। शॉपकीपर जो था, दुकानदार जो था, वह मिसेस चोपड़ा को अपनी दुकान के अंदर ले गया और गोल्ड रिंग देते हुए बोला कि मेरा धन्यवाद कहने का तरीका है। मिसेस चोपड़ा थैंक द शॉपकीपर बट शी डिडंट एक्सेप्ट द गोल्ड रिंग। श्रीमती चोपड़ा ने दुकानदार को धन्यवाद दिया लेकिन उन्होंने सोने की अंगूठी स्वीकार नहीं की। सी शेड, आई एम अ गुड सिटीजन एंड अ गुड सिटीजन इज नॉट पेड फॉर बीइंग गुड। उन्होंने दुकानदार को धन्यवाद दिया और सोने की रिंग जो थी उसको नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं एक अच्छी नागरिक हूँ और एक अच्छे नागरिक का भुगतान अच्छे होने के लिए नहीं किया जाता। मतलब यदि हम अच्छे हैं तो हमने किसी के साथ अच्छाई की है तो हमें उसकी कीमत नहीं लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर थोड़ा लंबा था, बड़ा था, इसलिए हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके।